आपने पहले भी मेरी कई वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि किस तरीके के टीम मेंबर्स हमें चाहिए, एज अ बिजनेस ओनर हमें किस तरीके के लोग रखने चाहिए। बट आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन चार वो कैटेगरीज, तीन चार वो सेट ऑफ पीपल जो हमारी कंपनी के अंदर नहीं होने चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों की है जो कि जिनके साथ इंटीग्रिटी का इशू रहता है, जिनके साथ एथिकल इशू रहता है करके, जो लोग चीटिंग करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग मिसलीड करते हैं, जो लोग डेटा के साथ प्ले करते हैं, जो लोग आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, आपकी पॉलिसीज के साथ प्ले करते हैं, इस तरीके के लोग हमें कंपनी के अंदर नहीं चाहिए। आज ही इन लोगों को जो है हमें फायर करने की ज़रूरत है। जो लोग कंपनी के अंदर एक गलत मैसेज देते हैं और इस तरीके के लोगों को अगर वो रिजल्ट देते भी हैं, उनको रखने के बाद एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कंपनी के अंदर ये मैसेज दे रहे हो कि यस हमारी कंपनी में चलता है, बट नो हमारी कंपनी में नहीं चलना चाहिए। सेकंड कैटेगरी ऑफ लोग वो लोग होते हैं जो लोग जो है बेसिकली उनके साथ हमारा कल्चरल इशू रहता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कल्चरल इशू का मतलब हो गया कि वो लोग जो है हमारी कंपनी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डिसिप्लिन है, पॉलिसीज हैं, उसमें बिलीव नहीं करते, हमारे टाइमिंग्स में, हमारे सिस्टम में ढलना नहीं चाहते हैं। वो लोग शायद प्रोडक्टिव हो सकते हैं, वो लोग शायद आपको फर्स्ट हैंड पे लग सकते हैं कि बहुत अच्छा सेल्समैन है, बहुत अच्छा अकाउंट्स पर्सन है, बहुत अच्छा सुपरवाइजर है, बट जो है वो रिजल्ट देते हैं आपको, अभी के लिए दिखता है कि वो रिजल्ट देते हैं, बट जो है वो कहीं ना कहीं लूज स्टॉक्स में बिलीव करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आपके कल्चर के अंदर फिट नहीं होते, वो आपके टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करते, वो आपके सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते। इस तरीके के लोगों को भी कंपनी में नहीं रहना चाहिए। Why I am saying this? Because आप कहोगे कि मैम हमें तो रिजल्ट से मतलब है, बट आज आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा शायद कि इस तरीके के लोगों का कंपनी में रहने पे जो बाकी की जो टीम है, बाकी के जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज जो कल्चर आप बिल्ड करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा शायद इन्हीं चुनिंदा लोगों की वजह से। सो आई वॉन्ट यू पीपल कि आप जल्द से जल्द नहीं, बट एक सही समय रहते हुए में या तो पहले इनके साथ डिस्कशन कर लें, आप इनको फीडबैक दे दें कि ये सब प्रॉब्लम है, और एल्स जो है इस तरीके के लोग जो है लॉन्ग रन में कंपनी के साथ इस बिहेवियर के साथ तो एटलीस्ट नहीं चलने चाहिए। थर्ड कैटेगरी ऑफ लोग वो रहते हैं बेसिकली जो आपके, मुझे कहना चाहिए, जो लोग जो हैं अच्छे तो हैं, हार्डवर्किंग तो हैं, सच्चे तो हैं, इंसानियत है, बढ़िया हैं, एज अ पर्सन अच्छे हैं, बट आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, आपको रिजल्ट नहीं दे रहे। आपको उनके साथ एक फील गुड फैक्टर आता है, आपको उनके साथ इमोशंस तो आते हैं, बट अगर वो फाइनली आपके बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ एक दो ऑप्शंस मैं आपको देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑप्शन कि पहले आप मे बी उनका डिपार्टमेंट, मे बी आप उनका रोल्स चेंज कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि क्या चैलेंज आ रहा है, मे बी उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए हो, मे बी आपके साथ वन टू वन बैठने पर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बट अगर ऐसा भी करने पर लॉन्ग टर्म तक आपको नहीं चीजें ठीक होती हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो भी आपको जो है लॉन्ग रन में इन लोगों के साथ नहीं चलना है और आपको इनको फायर करना है। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस? बिकॉज आज की डेट में बहुत कॉम्पिटिशन है, आज की डेट में जब बहुत कॉम्पिटिशन है उस टाइम पर हम लोग नॉन प्रोडक्टिव लोग डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो डू वी हैव अ सिस्टम इन आवर कंपनी जहां पर हम जो है इस तरीके के लोगों को पहचान सकें, उनके साथ बैठ सकें, उनको मेंटोर कर सकें, उनको फीडबैक दे सकें, उनको रिसोर्सेज दे सकें, और ये सब करने के बाद अगर फिर भी चीजें नहीं आती हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आता, तो इनको फायर करना ही ठीक रहेगा। अदरवाइज आप कंपनी के अंदर जो है एक मैसेज दे रहे हो, एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको एक प्रोडक्टिव तरीके से बिजनेस को किस तरीके से चलाया जा सकता है, टीम से किस तरीके से काम लिया जा सकता है, किस तरीके की टीम आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपको मैंने बताया, एंड आई होप जो है इन पॉइंटर्स को आप हायरिंग के टाइम एंड फायरिंग के टाइम जरूर ध्यान रखेंगे।